हेलो फ्रेंड्स, अग्नि इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन रीट ग्रेड सेकंड और ग्रेड अपना फर्स्ट, इसकी जो इंग्लिश है उसको लेकर अपन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट जो अपना फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रेट है, कंप्लीट सिलेबस जो है यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट किए गए, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंग्लिश, इस इंग्लिश में लेके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपन सारी चर्चा करेंगे। देखिए पिछले वीडियोज यदि आप देखें जिनको आपने साल डेढ़ साल पहले मैंने अपलोड किया था, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो कि सेकंड ग्रेड है चाहे फर्स्ट ग्रेड है चाहे अपना रीट है, और जो टॉपिक करवाया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया हुआ और आई होप कि आगे भी नहीं जाएगा। तो अपन इनके बारे में डिटेलली जो है वो स्टडी करेंगे इंग्लिश को लेकर कि रीट फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकंड ग्रेड जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज अपन जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे वो टॉपिक जो है अपना, वो टॉपिक कंजक्शन को लेकर बात करेंगे, कंजक्शन को लेके। और ये कंजक्शन जो है अपन सेकंड ग्रेड में भी है, ग्रेड फर्स्ट में भी है और रीट में भी है, क्लियर। और कंजक्शन को लेकर जो लास्ट ईयर किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पिछले पेपरों के अंदर किस प्रकार से पूछे गए हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी का अपन चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आज अपन जिस टॉपिक को लेके चर्चा कर रहे हैं वो है अपना मतलब कंजक्शन। और कंजक्शन ध्यान रखना रीट में भी है, ग्रेड आपका फर्स्ट और आपके सेकंड में भी है। ठीक है, तो कंजक्शन की जब अपन बात करते हैं, देखिए रीट के अंदर इसको लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से इसका टॉपिक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो लिंकिंग डिवाइसेस इसी कंजक्शन को आपको ही कहा जाता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन है क्या, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कंजक्शन है क्या। और यदि कंजक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें, द वर्ड which is used to join two or more than two sentences, phrases, clauses or words. The word which is used to join two or more than two sentences, phrases, clauses is called conjunction. Is called conjunction. अब देखिए क्योंकि verb agreement को लेकर भी अपने question आते हैं, तो यहां प्रत्येक चीज को आप समझते जाना। देखिए यहां आपने जो conjunction use किया वो conjunction use किया आपने which, क्या कंजक्शन यूज किया, विच किया है, और विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यदि अपने रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो अपना हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, एज है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वर्ब हमेशा जस्ट उससे पहले आने वाला जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा जिसको अपन एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो वर्ब हमेशा उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहां जो आपने विच से पहले यदि यहां वर्ड क्या यूज किया, आपने वर्ड सिंगुलर यूज किया है, इट मींस यहां भी आपकी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि यहां सपोज दैट आप वर्ड्स कर देते तो आपको इस इज के लिए अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आर का यूज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात अपने पढ़ा कि द वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स, इनको जोड़ने के लिए आप जिस शब्द का सहारा लेते हो वो आपका क्या है, कंजक्शन है। अब देखिएगा जैसे आपने सेंटेंस लिखा है, आपने लिखा मोनिका एंड काना आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन।
अब इस सेंटेंस की अपन बात करें तो देखिए, आपने यहां एक तो मोनिका वर्ड यूज किया है, एक आपने यहां काना वर्ड यूज किया, ये आपने दो नाउन यूज कर दिए। अब इन दोनों नाउन्स को, इन वर्ड्स को, काना और मोनिका जो आपके दो वर्ड्स हैं, इनको जोड़ने के लिए आपने यूज क्या किया, एंड का यूज किया। ये एंड जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका क्या है, कंजक्शन है। एक और देख लीजिएगा, आपने लिखा आई एम इल सो आई कैन नॉट प्ले, सो आई कैन नॉट प्ले। तो आप इस सेंटेंस की अपन बात करें तो यहां आपने लिखा आई एम इल और आई कैन नॉट प्ले, ये आपके पास टू सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आपने टू वर्ड्स को जोड़ दिया, अब आप यहां क्या कर रहे हो, टू सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो। इन टू सेंटेंसेस को आपने किससे जोड़ा, सो से जोड़ा। तो ये आपका सो जो है, ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है कि टू और मोर देन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनको जोड़ने के लिए आप जिस भी शब्द का सहारा लोगे वो आपका शब्द क्या होगा, कंजक्शन होगा। क्लियर है। अब यहां जो अपन बात करेंगे इस डेफिनेशन में आए हुए वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की, क्लॉजेस की और वर्ड्स की, ठीक है। अब देखिएगा कि यदि अपन सबसे पहले सेंटेंस को लेकर चर्चा करें, देखिएगा सेंटेंस को लेकर अपन चर्चा करें तो देखिए सेंटेंस और सेंटेंस की आपने जो डेफिनेशन जो रीड किया है, जो डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं वो अपन क्या पढ़ते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैव मीन, हैव ए मीन। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा विच हैव ए कंप्लीट सेंस, विच हैव ए कंप्लीट सेंस, विच, ठीक है। तो देखिए चाहे तो आपके पास ये डेफिनेशन है विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, विच गिव्स मीनिंग, जो भी है, ठीक है। लेकिन यदि सेंटेंस की अपन बात करते हैं तो सेंटेंस है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैव ए मीन। चाहे आप विच हैव ए मीन कह दीजिएगा, चाहे आप विच हैव ए क्लियर मीन कह दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपका क्या है, सेंटेंस है। लेकिन यदि आप फ्रेज की बात करो तो फ्रेज के बारे में भी आपको जो डेफिनेशन मिलेगी, अच्छी बुक्स को आप यदि देखोगे तो क्या मिलेगा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए मीन, हैव ए मीन। अब डेफिनेशन तो दोनों की सेम है, डेफिनेशन दोनों की सेम है, क्योंकि फ्रेज भी मीनिंग देती है। यह मत सोच लेना कि फ्रेज अर्थ नहीं देती, फ्रेज अर्थ देती है। सेंटेंस तो देगा ही देगा, फ्रेज भी कंप्लीट मीनिंग देती है। अब देखिए इस इन दोनों के अंदर फिर फर्क क्या है, क्योंकि यदि आप सेकंड ग्रेड की बात करो तो सेकंड ग्रेड के अंदर इस फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कम से कम पांच, और ये पूछा जाता है कि फ्रेज जो ये यूज हुई है ये क्लोज है, फ्रेज है, क्लोज है कि फ्रेज है। यदि फ्रेज है तो कौन सी फ्रेज है, क्योंकि अपन यदि बात करें तो जो फ्रेज है नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये क्लॉज और सेंटेंस, जो फ्रेज के आप सेंटेंस तभी कर पाओगे जब आपको ये पता है कि एक्चुअल में फ्रेज होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेज क्या है, फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर वर्ब का यूज नहीं होता, वर्ब इज नॉट यूज्ड इन फ्रेज, ठीक है। ये ध्यान रखना कि फ्रेज क्या होगी, फ्रेज के अंदर वर्ब का यूज नहीं होगा, होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, होगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, लेकिन उस फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होगी। लेकिन यदि अपन सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है वो विदाउट वर्ब के नहीं बन सकता, तो सेंटेंस के अंदर क्या होगी, वर्ब होगी। अब देखिए यहां छोटा सबसे दो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मैंने आपसे एक तो ये क्वेश्चन किया ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब देखिए ओपन द डोर टेनी वर्ड अर्थ दे रहे हैं ओपन द डोर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यदि आप बात करें ओपन, ओपन आपकी वर्ब है, इट मींस ये आपका सेंटेंस है, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। और आप यदि कह देते हो व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए फ्लावर, अब देखिए अर्थ तो ये भी दे रहे हैं, वाह क्या कितना सुंदर फूल है, है? अर्थ तो दे रहा है, अर्थ तो ये भी दे रहा है, अर्थ ये भी दे रहा है,
लेकिन इन दोनों की अपन बात करें तो दोनों के अंदर मेजर यदि डिफरेंसेस की बात करें, यहां वर्ब का यूज किया गया और यहां वर्ब का यूज नहीं किया गया, इसलिए आप इसे जो बोलोगे वो आप इसे क्या बोलोगे, फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। वो आगे अपन चर्चा करेंगे जब फ्रेज को डिटेलली पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज में क्या फर्क है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन सबसे पहले फिलहाल तो इतना ही समझ लेना कि सेंटेंस वो है जिसमें वर्ब होगी और फ्रेज वो है जिसमें वर्ब नहीं होगी, होंगे दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है? अब एक और देखिएगा सेंटेंस, अब देखिए आपने लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख के गलत मत कर देना, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये सेंटेंस नहीं है तो फिर है क्या ये इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो है ये आपकी फ्रेज है, ये आपकी क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वर्ब का यूज नहीं किया गया और इसी को यदि आपने वर्ब सेंटेंस बनाना है तो आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा इट और इज, इट इज। अब आपने यहां इज वर्ब का यूज करते ही अब ये जो आपका जो पहले फ्रेज थी अब ये आपका क्या बन गया है, सॉरी सेंटेंस बन गया है। तो यह बात ध्यान में रखना कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अर्थ भी है लेकिन फ्रेज में वर्ब नहीं होगी। लेकिन सेंटेंस की अपन बात करें तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अर्थ भी है, लेकिन सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाएगा। ये अपन नॉर्मल लाइफ के अंदर अपन बोलते हैं ना, आपके पापा कहां है, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, ठीक है। और हम जो रिप्लाई करते हैं, हम जो उनको आंसर देते हैं, घर पे हैं, रूम में हैं, कुछ भी है, छत पे हैं, आपने कहा रूम में है, इन द रूम। अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अर्थ भी है, कहां है, कमरे में है, बिल्कुल कंप्लीट अर्थ है, ठीक है। अब यदि इसकी बात करें कि ये सेंटेंस है या फ्रेज है तो ये आपकी फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। इसी को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हो माय फादर इज इन द रूम। अब देखिए अब ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये सेंटेंस है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही आपकी फ्रेज है, अर्थ दोनों के हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि ये जो है ये आपका जो सेंटेंस जो होगा सेंटेंस विदाउट वर्ब के नहीं बनता और फ्रेज के अंदर वर्ब का यूज नहीं किया जाता। क्लियर? उसके बाद में उस के अंदर नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो उसके अंदर हमने जो चर्चा की थी, देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर का पैटर्न आ रहा है, डे पर डे जो पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है और आप अपने ज्ञान के अंदर जितना इजाफा आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदा है। खूब डिटेलली अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन क्लॉज की, और क्लोज का भी अपना अलग सा टॉपिक है। तो यहां मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि क्लोज है क्या। क्लोज की यदि अपन बात करें तो यह ध्यान में रखना कि आपके पास कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप किसी कंजक्शन के साथ कनेक्टेड कर दीजिएगा, उस सेंटेंस को किसी कंजक्शन के साथ कनेक्ट करते हुए किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बना दीजिएगा, दूसरे सेंटेंस का आप उसको पार्ट बना दीजिएगा, वो आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे नहीं समझे होंगे आप, जैसे मैंने कहा ही गोस, सेंटेंस है ही गोस, नो डाउट। अब आप क्या करो कि इसे किसी अन्य सेंटेंस का पार्ट बना दीजिएगा। आपने लिखा वेयर ही गोस इज अननोन टू मी,
अननोन टू मी. आप देखिए WH वर्ड से किसी भी कंजक्शन से आपका कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है और किसी अदर सेंटेंस का पार्ट है तो वो आपका कंजक्शन, वो आपकी क्लॉज है. तो यहां जो वेयर ही गोज जो है ये किसका काम कर रही है, ये आपका क्लॉज का काम कर रही है. किसका काम कर रही है, क्लोज का काम कर रही है. थोड़ा सा मैं आपको यहां और बता दूं कि ये क्लोज जो है ये नाउन क्लोज है, क्योंकि इसी कंजक्शन के अंदर आप आगे बढ़ोगे क्लोज टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज के बारे में अपन बात करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये नाउन क्लोज कैसे है. इन सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं बता दूं कि जो नाउन का फंक्शन करती है, ऐसी क्लोज जो फंक्शन किसका करेगी, नाउन का. नाउन का फंक्शन क्या है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है, और नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन. ये सारे के सारे काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन कर सकता है. और जब ये काम करने की भूमिका रोल जो है कोई अदर वर्ड करता है वो आपका नाउन ही होगा, ठीक है. जिस प्रकार से अपन बात करें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे अपन इनफाइनाइट बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे अपन जेरंड कहते हैं, ठीक है, या आपकी कोई फ्रेज है या आपका कोई क्लोज है और उनका यूज यदि आप सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में या नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हो, इट बी वो फंक्शन नाउन का कर रहा है. तो यहां इज वर्ब का यदि अपन सब्जेक्ट की बात करें, वेयर ही गोज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है, नाउन के पास है. इसलिए हम जो इसे क्या कहेंगे, नाउन क्लोज कहेंगे. ये नाउन क्लोज से रिलेटेड, सॉरी क्लोज से रिलेटेड सेकंड ग्रेड के अंदर यदि मैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन को भी शामिल कर लूं और आइडेंटिफिकेशन की भी बात कर लूं तो इस क्लोज क्लोज रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो आपको सेकंड ग्रेड में मिलते हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो आपको किस में मिलेंगे, सेकंड ग्रेड में मिलेंगे. और यदि इन नाउन का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का इनकी अपन बात करें तो जो अपन सेकंड ग्रेड के अंदर स्वोका नाम का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है. तो कंप्लीटली यदि अपन बात करें तो कंजक्शन कंजक्शन जो है सेकंड ग्रेड के अंदर लगभग 20 क्वेश्चन कवर करता है, 20 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है. और ट्रांसफॉर्मेशन को मिलाकर यदि अपन बात करें तो 25 के आसपास इसका जो क्राइटेरिया पहुंच जाता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कंजक्शन. फर्स्ट ग्रेड को लेके भी कर ले, सेकंड ग्रेड को लेके भी बात करें, रीड को लेकर भी बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ध्यान से सुनना, इसको अंत तक बने रहना, ठीक है. तो ये हमारी क्लॉज होती है. क्लॉज क्या है कि किसी आपके पास कोई सेंटेंस है, आप उसके साथ किसी WH वर्ड का यूज करते हुए, किसी WH वर्ड का यूज करते हुए आप उसे किसी अदर सेंटेंस का पार्ट बना देते हो, वो आपकी क्लॉज बन जाती है. वो आपकी नाउन क्लॉज है, वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, वो आपकी एडवर्ब क्लॉज है, जिसकी अपन डिटेलली आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. ये बात समझ में आई बात. तो कंजक्शन क्या है, रिपीट कर दूं, कंजक्शन वो वर्ड्स है जो टू और मोर देन टू वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं. अब देखिएगा, अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन की. और टाइप्स ऑफ कंजक्शन की जब अपन बात करेंगे तो ध्यान रखना टाइप्स ऑफ कंजक्शन, ठीक है, दो प्रकार के आपके कंजक्शन है. एक आपका सबऑर्डिनेट है और एक आपका कोऑर्डिनेट है. कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की बात करें, आपकी नाउन क्लोज हो गई, आपकी एडजेक्टिव क्लोज हो गई और आपकी एडवर्ब क्लोज हो गई. ये तीन प्रकार के आपके इसमें आते हैं. देखिए नाउन क्लोज आगे फिर डिवाइडेड हो जाती है, एडवर्ब क्लोज हो जाती है, एडजेक्टिव क्लोज हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट है, नॉन रेस्ट्रिक्ट है, इस प्रकार से. कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट के अंदर आपका जो है सबसे पहले आपका जो आता है वो कुमुलेटिव, या आप इसे कह सकते हो कोपुलेटिव. दूसरा आपका अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव. तीसरा आपका एडवर्सेटिव,
और चौथा आपका जो है इलेटिव। इलेटिव देखिए थोड़ा सा प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान देना, क्योंकि आपके रीट में भी फोनेटिक्स है और सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में वर्ड स्ट्रेस भी दिया हुआ है, तो प्रोनंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देना। इसको इलेटिव मत इसका प्रोनंसिएशन करना, इलेटिव ये कंजक्शन है। सेकंड ग्रेड की अपन सॉरी रीट की अपन बात करें तो रीट के अंदर जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो कुमुलेटिव को लेकर आते हैं, रीट के अंदर कुमुलेटिव से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और यदि अपन बात करें ग्रेड फर्स्ट की और सेकंड की, उसके अंदर सब ऑर्डिनेट और को ऑर्डिनेट ये दोनों ही प्रकार की कंजक्शन है, क्योंकि आप जब इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब अपन पर चर्चा करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ये आपके कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, और सब ऑर्डिनेट जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये दो प्रकार के आपके जो है कंजक्शन है, और इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट कंजक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शन करेंगे पूरा डीपली, और सेंटेंस के लास्ट में एक करंट, एक तो करंट अफेयर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, एक आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पर डे दो क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और अपने यदि कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर प्रत्येक दिन दो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, एक आपका करंट अफेयर को लेके है, एक आपका ग्रामर को लेके है, और एक और अपन स्टार्ट कर देंगे लिटरेचर का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो कम्युनिटी के अंदर जाकर आप उन क्वेश्चनों को भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आज मैं आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो क्या है कि यदि अपन बात करें बजट 2020-21 की, किसकी बात करें, बजट 2020-21 के अंदर, बजट 2020-21 के अंदर राजस्थान विधानसभा ने, ठीक है, राजस्थान का पहला होम्योपैथिक कॉलेज की जो घोषणा की है, जो खुलने जा रहा है, वो कहां है? जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, राजस्थान का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो कहां खुलने जा रहा है? जोधपुर के अंदर, जिसकी घोषणा कब की गई है? 2020-21 के अंदर की गई है। पर डे आपको एक क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड मिलता रहेगा। और अब आपसे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि राजस्थान की अपन बात करें तो आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है How the Earth got its beauty। ये किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है? आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सेकंड ग्रेड के अंदर भी करंट अफेयर से रिलेटेड बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।